मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। मैं सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी शुरुआत की है मैंने। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, यानी इससे पहले वाले वीडियो में प्लेटो का एक सामान्य परिचय मैंने आप सभी को दिया था। प्लेटो एक ऐसा विचारक है जिसे प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो की रचनाओं के विषय में मैंने बताया, प्लेटो की अध्ययन पद्धति के विषय में मैंने बताया, रिपब्लिक जो ग्रंथ है प्लेटो का उसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या हैं इसके विषय में मैंने एक शॉर्ट में जानकारी दी थी। प्लेटो के अब हम रिपब्लिक में प्रतिपादित जो विषय हैं उनका एक एक करके हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है उसका न्याय सिद्धांत। न्याय इतना इम्पोर्टेंट है कि रिपब्लिक ग्रंथ का जो दूसरा नाम है वो ही कंसर्निंग जस्टिस है, यानी न्याय से संबंधित। प्लेटो का न्याय का जो हम वर्तमान में स्वरूप देखते हैं वो है कानूनी न्याय, यानी न्यायाधीश के द्वारा न्यायालय में वादी प्रतिवादी के बातों को सुनकर जो न्याय प्रदान किया जाता है वो वर्तमान में न्याय है। किंतु इससे इतर जो प्लेटो ने न्याय की कल्पना करी है वो उसे नैतिकता से जोड़कर उसने न्याय की कल्पना प्रस्तुत की है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें जो प्लेटो है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना अपना कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। अब किस तरह उसने समाज में वर्ग बनाए हैं, न्याय का कैसा स्वरूप प्रतिपादित किया है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेटो न्याय को दो स्तरों पर देखता है, एक है व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। किंतु प्लेटो के न्याय को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटो से पूर्व में प्रचलित तीन न्याय के सिद्धांत प्रमुख थे। प्लेटो ने पहले उन तीनों न्याय के सिद्धांतों के बारे में बताया है, उनकी आलोचना की है, उनकी कमियां बताई हैं, उसके बाद अपना जो न्याय का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो से पहले जो यूनान है उसमें तीन न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। सबसे पहला था परंपरागत सिद्धांत दिया था सिफेलस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस ने। जैसे सिफेलस क्या कहता है न्याय के बारे में कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। हर परिस्थिति में आप सत्य बोलिए, आपने किसी दूसरे से अगर उधार लिया है कुछ तो आप उसे समय पर चुका दीजिए, यही न्याय है। किंतु प्लेटो इसकी आलोचना करता है और प्लेटो कहता है हर परिस्थिति में पूर्णतः सत्य बोलना सही नहीं है, ये घातक भी हो सकता है और ऋण चुका देना भी घातक हो सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्लेटो बताता है कि अगर मैंने किसी से बंदूक उधार ली और मुझे उसे चुकानी है, वो बंदूक वापस लौटानी है और मुझे पता है कि वो जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से इस समय टेंशन में है या अवसाद की स्थिति में है और मैंने उसे ये जानते हुए वो बंदूक वापस लौटा दी तो हो सकता है ये उसके लिए बहुत घातक हो जाए। दूसरी, हर परिस्थिति में सत्य बोलना भी हमेशा सही नहीं होता। उसके पुत्र पॉलीमार्कस कहता है कि न्याय एक कला है, मित्र के साथ मित्रवत और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो पॉलीमार्कस के इन दोनों कथनों का भी खंडन करता है और वो कहता है हर परिस्थिति में यह नीति उचित नहीं है। अगर आप अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा। दूसरा जो सिद्धांत प्लेटो से पूर्व में प्रचलित था न्याय का वो है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, जो प्रस्तुत किया थैसीमैकस ने। क्रांतिकारी सिद्धांत में ये कहा जाता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है और अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। यानी कि जो थैसीमैकस है वो ये बताना चाहता था कि शक्तिशाली व्यक्ति जो कह दे, क्योंकि शक्ति होती है उसके पास, कोई उसकी बात का खंडन नहीं कर सकता, उसने जो कह दिया वही न्याय है। इसलिए जो आम जनता है वो ऐसे शक्तिशाली राजा या शक्तिशाली शासक की नीति का जब भी उसे मौका मिले तब खंडन करना चाहेगी। तो ये माना जाता है थ्रेसीमेकस के द्वारा कि जनता के लिए अन्याय करना न्याय से श्रेयस्कर होता है। लेकिन प्लेटो इन दोनों बातों का ही खंडन करता है, वो कहता है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित नहीं है और अन्याय न्याय से कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता और शक्तिशाली व्यक्ति केवल
अपने हित में ही कार्य नहीं करता, बल्कि वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो सामान्य प्रजा के हित में कार्य करता है। तीसरा सिद्धांत जो प्रचलित था प्लेटो से पूर्व वो था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। ये प्रस्तुत किया गया ग्लाउकन के द्वारा। ग्लाउकन भी कहते हैं, ग्लाउकन भी कहते हैं। ग्लाउकन का मानना है कि न्याय भय का शिशु है। इसका क्या मतलब है कि ग्लाउकन ने ये कहा कि समझौते के माध्यम से एक राज्य की जब स्थापना हुई तो जो शासक है उसकी नीतियों का जनता ने पालन किया, लेकिन दंड के भय से। यानी जो शासक है वो दंड का भय दिखाकर जनता से न्याय का पालन करवाता है। प्लेटो इस बात का भी खंडन करता है और वह कहता है कि आम जनता केवल दंड के भय से ही कानूनों का पालन नहीं करती, बल्कि शासक अगर जनता के हित में नीतियां बनाता है तो अपने हित में जानते हुए जनता उन नीतियों का पालन करती है। तो इस तरह प्लेटो अपने से पूर्व में प्रचलित तीनों न्याय के सिद्धांतों को बताते हुए उन तीनों का खंडन करता है, उसके बाद अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसने क्या दिया, किस तरह से दिया, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय को किस तरह परिभाषित किया, किस तरह समाज में तीन वर्ग बनाए, क्या क्या उनके कार्य निर्धारित किए, ये हम अगली श्रृंखला में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।